आज का जो आपका स्कोर बूस्टर सेशन है वो इसी के ऊपर है इसी बेसिस पे हम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है ऑल द एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सारे एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्लास को जरा एक बार शेयर करके आ जाइएगा नहीं करा है अब तक शेयर तो कर दीजिएगा बाकी सेशन को लाइक कर दीजिए जिससे आपके अटेंडेंस यहाँ पर मार्क हो जाए ठीक है? और आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको समय पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी ठीक है अब बाकी मुन्नी जितने भी एनालिसिस होंगे रात वाली क्लास में ठीक है जी रात वाली क्लास में एक ओवरऑल में आपको एनालिसिस का ओवरव्यू देकर आपके एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊंगी ठीक है सेकंड शुरू करते हैं हम यहां पर जय बजरंगबली बली राधे राधे चलिए शुरू करते हैं यहां पर आपको अगर अभी भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो आप टेस्ट बुक सुबह कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि सुपर कोचिंग के ऊपर सारे बैचेस अवेलेबल है कोई भी एग्जामिनेशन हो कोई भी एस एस सी बैंक डिफेंस रेलवे आपको बैचेस मिल जाएंगे बैचेस के अंदर प्रॉपर सिर्फ वीडियो क्लासेस नहीं साथ में मॉक टेस्ट भी होते हैं स्टडी नोट्स भी होते हैं और क्विक डाउट रेजोल्यूशन भी है बस आपको एक कोड ध्यान में रखना है कोई भी बैच लेने से पहले ये मेरा ही नाम कूपन कोड की तरह आप यूज कर सकते हैं To avail some प्लस टेस्ट मिलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं मात्र पता है कितने रुपए का थ्री हंड्रेड मतलब थ्री फिफ्टी के अराउंड आपको मिल जाएगा पूरे साल का और टेक्स बुक पास के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं अनन्या पास ठीक है अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो बेटा तैयारी नहीं कर पाओगे मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट के बिना तैयारी है 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 इसलिए तो देना ही देना ठीक चलिए राधे राधे जय श्री राम क्लास को हम करते हैं आप शुरू तो आज का पेपर कैसा हुआ आज का पेपर जितने लोगों ने क्लास में मेरे साथ पढ़ाई करी है उनके लिए तो इंग्लिश एकदम हलवा होगा डेफिनेटली हलवा होगा ठीक है चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है चलिए मैं आपको बताती हूं कैसे कैसे रूल्स लगाने हैं क्वेश्चन में किस तरीके से एरर वगैरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हमसे क्या होता है हम हम हमसे गलतियां क्यों होती हैं हमें रूल का एप्लीकेशन नहीं पता चल पाता है ना आ जाइए क्या कहता है क्वेश्चन I'm waiting for the responses. A, B, C, answer मत दीजिए, बताइए। पे अगर correct करना सीख गए, तो मतलब आपका error और दोनों चीजें साथ में होती चलती तैयार, ठीक है? बताओ भाई क्या कहता है सवाल डेथ टॉल ड्यू टू द लैंड स्लाइड अगर अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन ना लिया होता तो जो डेथ डेथोल है वो बढ़कर और बढ़ सकता था कुड हैव रिजन मैंने क्या कहा कि डेथ डेथटॉल और बढ़ सकता था कुड हैव रिजन द डेथ डेथॉल ड्यू टू लैंड स्लाइड कुड हैव रिजन बढ़ा नहीं है बढ़ सकता था सकता था कुड हैव रिजन ठीक है चले आगे यस बिटवीन दो से ज्यादा चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये मैंने आपको प्रपोजिशंस में पढ़ाया है ठीक चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, <coughs> आंसर बताइए बाकी सब सही था डीसीपी है इंटरनल करप्शन करप्शन है और फिर कॉमा ही है एक के में मिला दिया है किसी स्टेटमेंट में इफ आ जाता है मतलब वो कंडिशनल हो गया और अगर कंडिशनल हो गया तो भाई कंडिशनल पहचानो कौन सा कंडीशनल है ये हेड प्लस वी थ्री है तो टाइप थ्री कंडीशनल है भाई टाइप थ्री कंडीशनल है तो मेन क्लॉज में वुड हैव बी थ्री वुड हैव टेकन पता होता तो कुछ स्टेप्स लेते इसको हटाने के लिए है ना क्या हो जाएगा वुड हैव टेकन ये बात समझ में आई जिस, जिस जिसको जिसको एक बार पढ़ा फिर से क्लास को लाइक कर दीजिए ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए कहता है क्या ये बताओ मन की एक आवाज अपने बता रहा है कि मेरी मन की आवाज कहती है अगर मैं वहां पर होता तो मैं इस चीज को होने से रोक लेता अगर मैं वहां पर होता तो मैं उस चीज को होने से रोक लेता अगर मैं वहां पर होता तो मैं उस चीज को होने से रोक लेता देर इज अ वॉइस इन माई हेड हैव प्रिवेंटेड टाइप थ्री कंडीशनल है आई वुड हैव प्रिवेंटेड दिस फ्रॉम हैपनिंग बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई मेहरबान कर दा कितना इजी सवाल ठीक है टाइप थ्री कंडीशनल है बताओ क्या कहता है सवाल मुझे इंप्रूवमेंट बताइए क्या हो जाएगा टू इयर होना चाहिए इवेंट <coughs> को हटा दे नो no ललित बिल्कुल सही आंसर दिया सुमित्रा बिल्कुल सही आंसर दिया जितने लोगों ने विल बोला है बिल्कुल सही आंसर है इन लोगों ने पहचान लिया है कि ये टाइप वन कंडीशनल है अब इफ लिखो या सपोज लिखो एक ही बात है ना इफ लिखो या सपोज लिखो दोनों ही कंडीशनल वर्ड्स एक ही बात हुई अब यहां पर क्वेश्चन कहता है दो साल लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अब फ्यूचर टेंस चाहिए मेन क्लॉज में इवन देन वी विल नीड इवन देन वी विल नीड अन टू ईयर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बताइए आप बात समझे टाइपन कंडीशन कैसे था ठीक जी कंडीशनल पहचान लिया मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व वहीं पर सॉल्व ठीक है अगला देखो जरा टेल मी क्या कहता है क्वेश्चन अनलेस इंडिया चेंजेस इट्स जियो स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी इट इज डिफिकल्ट टू कंटेन चाइना मेयरली बाय एन इकोनॉमिक बाई जल्दी जल्दी से आंसर बताइए बेटा आई नो सारे ही टीचर मुझसे बेहतर हैं तो मेरे क्लास में तुम कर क्या रहे हो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट तभी तो मुझसे कोई पढ़ने नहीं आता सारे टीचर्स ही मुझसे बेहतर है यूट्यूब पे क्या करूं खाली पढ़ाती रहती हूं क्लास में कोई पढ़ने ही नहीं आता मुझसे दो तीन बच्चे बैठे रहते हैं मेरी क्लास में चलिए आंसर बताइए अनलेस इंडिया चेंजेस इट्स जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इट इज डिफिकल्ट टू कंटेन चाइना बाय मेयरलीयोकट क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए विल बी पक्का अच्छिया अच्छिया बताओ इट विल be काफी लोगों ने बोला है इट विल बी और बिल्कुल सही जवाब क्या बात है क्या बात है वेरी वेरी गुड क्या हो जाएगा अनलेस इंडिया चेंजेस जब तक जिन इंडिया अपनी पौलिति, जियो पोलिटिकल जियोपॉलिटिकल जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं चेंज कर सकती करती है इट विल बी डिफिकल्ट कौन सा कंडीशनल है ये टाइप वन कंडीशनल है इट विल बी डिफिकल्ट बोलो बात समझ में आई ठीक क्लियर चले आगे अगला सवाल है आपके सामने आताना कर आप चलिए इफ द कंडीशन ऑफ वुमेन रिमेन्स बैड The country never in GDP terms as per the World Bank, economic participation is the key. इकोनॉमिक कोई दिक्कत नहीं है देवाशीष हम तो कह ही रहे हैं ये जो एग्जामिनर है ना एस का इसको समझ पाना बेटा थोड़ा सा मुश्किल है हमने कोशिश करा है इसको समझने की और जितना हम समझ पाए थे तभी हम तुम लोग को एक्टिव पैसिव और नरेशन भी साथ में पढ़ाते चल रहे थे हमने का भरोसा नहीं है इसका ये पूछ लेगा है ना? ऐसा है ही नहीं कि एस एस सी के सिलेबस में पूछ नहीं सकता वो पूछ लेगा तो अगर क्वेश्चन आया है तो इसमें कोई देखो को, पहले वाले शिफ्ट में भी तो इनडली उसने कराया तो था मैंने इनडाक्टली पूछेगा डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो क्लेवर वो बहुत है वॉइस नरेशन छोड़ना मत समझ के कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चलना है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल अब देखना जरा इफ द कंडीशन ऑफ वुमेन रिमेन्स बैड अगर कंडीशन खराब रही तो क्या हो जाएगा द कंट्री विल नेवर ग्रो टाइप वन कंडीशनल अगर कंडीशन इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंटेंस लगता है तो मेन क्लॉज में जब तक सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा टाइप वन बन नहीं पाएगा है ना द कंट्री विल नेवर ग्रो विल नेवर ग्रो इन जी डी पी बोलो बात समझ में आई ठीक है यस yes. अगला सवाल देखिएगा बताओ ये क्या कर रहे हैं यार आज ये लोग एंड है फिर ई है एक ही में मिला दे रहे हैं भाई डिटीरोट एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट आंसर बताइए टेल मी, टेल मी फटाफट से कौन देगा सही जवाब चलो दो इवेंट जब पास्ट में होते हैं उनमें से एक इवेंट अगर थोड़ा पहले हुआ है और एक इवेंट बाद में हुआ है लेकिन हुए दोनों पास्ट में है तो जो इवेंट पहले हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में आता है ठीक है सो बिफोर द एम्बुलेंस कुड अराइव इससे पहले क्या एम्बुलेंस पहुंच पाती जो कंडीशन थी विक्टिम की वो बिगड़ चुकी हैड डिटीरियोरेटेड एंड ही डाइड

बिफोर बहादुर शाह जफर कुड क्लेम द रेड फोर्ट द ब्रिटिश दिखे इससे पहले की बहादुर शाह जफर रेड फोर्ट पर क्लेम कर पाते ब्रिटिशर्स ने उसको सारे डायरेक्शन से घेर लिया था यह काम पहले हुआ था लेकिन दोनों ही इवेंट पास्ट के हैं ये वाला चीज पहले हुआ था तो पास्ट परफेक्ट ये बाद में हुआ था तो सिंपल पास्ट कोई डाउट इसमें ठीक है आगे चलें नेक्स्ट देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन द मिनिस्टर हैज हैंडेड ओवर द रेजिग्नेशन टू द गवर्नमेंट गवर्नर यस्टरडे बताइए बहुत अच्छी बात है रोहित खुशी हुई देखकर यस नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोई कह रहा है हैड लगा दो कोई कह रहा है कि हैज हटा दीजिए अब हैड वाले लोग हमसे पिटाई खाएंगे क्योंकि हम इतनी बार क्लास में ये रूल बता चुके हैं लेकिन इनको रूल नहीं याद रहता है क्या रूल है इस क्वेश्चन का हमको ये बताओ हाँ huh? इस क्वेश्चन का रूल है कि वेन वी यूज अ पास्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट इन एनी स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस इज यूज नॉट एनी परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस आता है जब किसी स्टेटमेंट में पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो यहां से हैज को सिर्फ हटाने की जरूरत है दैट्स इट बात समझ में आई किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स गो लेट्स गो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे जरा इसका आंसर दीजिए फटाफट तरीके से लेट्स सी कौन देता है सही जवाब टेल मी चलो क्या कहता है प्रोफेसर सीज हैरी इन द लीकी की कोल्ड लास्ट वीक बताओ जरा जल्दी जल्दी से प्रोफेसर स्नेप सीज हैरी एक सेकंड में आंसर कर सकते हो आप बताइए देखें भाई ओके okay. क्या लिखा हुआ है यहां पर पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंपल पास्ट टेंस लगेगा सो so, ठीक है चलिए। अजली बहुत अच्छा लगा यार सुन के वेरी गुड करते रहिए मेरी नौ बजे वाली क्लास सुबह लेते रहिए वो कैबलरी के क्वेश्चन आपको सीडीएस में भी मिलेंगे ठीक है अब बताओ आठ के लिए सुबह में हर दिन एक डेडिकेटेड क्लास लेती हूं ठीक है चलिए बताइए आंसर इसका आ, सुबह नौ बजे होती है वो कैबलरी की क्लास नौ बजे नाइन एम इन मॉर्निंग बड़े सारे लोग कह रहे हैं हिज विल बी यूज अच्छा और क्या एडवोकेट यहां पर लिखा है और एडवोकेट का हमको जेंडर नहीं पता जब आपको किसी का जेंडर नहीं पता होता है तो इंग्लिश में प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को दी जाती है His brother. बताओ। पता है ना नहीं पता है तो नोट कर लीजिए जब भी इंग्लिश में हमको किसी का जेंडर नहीं पता होता है वी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू मैस्कुलन जेंडर ठीक है अगला सवाल क्लास को लाइक करने को बोलना पड़ेगा क्या यार कितने लोगों क्लास को लाइक ही नहीं किया आप लोगों ने अभी तक मार्क अटेंडेंस पीपल लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो सब यस यस यूनिवर्सली ये पहले एन बस यही बात आपको खटकनी चाहिए यहाँ पर यूनिवर्सली को आप अनाउंस कर रहे हैं या से या या एक कॉन्सोनेंट साउंड है वाई का साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है और इसलिए यहाँ पर आ लगना चाहिए साउंड के बेसिस पे हमेशा है ना क्या मैंने बोला जो आर्टिकल्स होते हैं हमेशा साउंड के बेसिस पे लगते हैं ना कि ना कि लेटर के बेसिस पे वॉवल साउंड तो एन अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए बिल्कुल सही जवाब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या हो जाएगा कुरेशा <coughs> ग्यारह बजे होती है मेरी लाइव क्लास सी एच एस एल की सुबह सुबह ग्यारह बजे बताओ भाई Okay. Binoculars. ये जो आपको लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है ना इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा spectacles, स्पेक्टिकल सीजर्स pants, ट्राउजर्स स्लीपर सॉक्स etc. ये जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ये वर्ड्स हमेशा किस तरीके से यूज होते हैं इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता ये हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं और इनके साथ लगने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है दैट इज द रूल ठीक है तो इसके साथ इज इस हम कभी लगा ही नहीं सकते बइनोक्यूल आर यूज टू सी शॉर्टर डिस्टेंसेस बताओ भाई बात समझ में आई आर यूज ठीक है डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं बताना Let's see. थोड़ा सा ऋषि वर्क करना पड़ेगा क्लास में भी क्योंकि गलतियां भी हो रही हैं आपकी भी मैंने भी नोटिस किया है गलतियां आपकी हो रही हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए जहां जिस चीज में ज्यादा गलती हो रही है वो चैप्टर रिवाइज करो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता है ठीक है इंप्रूवमेंट के लिए जहां पर गलतियां हो रही हैं उन चीजों को रिवीजन भी उनका रिवीजन करना पड़ता है बोथ का कोरिलेटिव पेयर ऐड होता है पेयर है भाई इन दोनों का शर्मा जी को वर्मा जी के साथ की बीवी के साथ नहीं बैठा सकते शर्मा जी को शर्मा जी की बीवी के साथ ही बैठाना पड़ेगा तो ये वर्मा जी कहाँ से आ गए हैं वर्मा जी की बीवी कहां से आई भाई हाँ बोथ लगाए ना वहां पे तो यहाँ पे आंड लगाना पड़ेगा बॉस बात को समझे ठीक है चले आओ अगला सवाल देखो ऐसे ही तो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको एमटीएस में ठीक है बताइए भाई क्या लग रहा है जवाब सब देखिए क्या कहता है पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे ना अपने मुंह में खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि गलती है क्या पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा ये तो ऐसा क्वेश्चन है प्रोहिबिटरी ऑर्डर प्रॉपर प्रोहिबिटरी ऑर्डर प्रॉपर ये क्या है गलत लगा ना प्रोहिबिटरी ऑर्डर प्रॉपर गलती ये है कि अगर यहां पर फॉलो लगा है फॉलो को मॉडिफाई कर रहा है ये प्रॉपरली हो जाएगा ना एडवर्ब होना चाहिए फॉलो इज अ वर्ब और वर्ब को जो चीज मॉडिफाई कर दे वो एक एडवर्ब होती है ठीक है बढ़ जाओ आगे आओ भाई देखिए क्या कहता है सवाल एनालिसिस अभी इसके पहले किया था अब जो प्रॉपर ओवरऑल एनालिसिस है वो रात में दस बजे होगा ठीक है इंग्लिश का कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो अगर आपको रूल्स पता है ना तो इंग्लिश आपके लिए एकदम हलवा है समझ लो यही तो इंग्लिश का खेल है इतना बड़ा क्वेश्चन है लोग बच्चे देख के डर रहे हैं लेकिन जिनको पता है कि भाई विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है उनके लिए हलवा है हाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए विल अटेंड विल अटेंड बोलिए बात समझ में आई कि नहीं विल अटेंड डन ठीक चलो भाई बताइए सब लोग बता दो फटाफट फड़ तरीके से ठीक है ठीक है देखा सबने बहुत बढ़िया कहता है बैग तो डिस्काउंट वर्थ फाइव हंड्रेड काफी है मेरे दोस्त क्योंकि किसी भी ऐसे वर्ड जो किसी नंबर को सिग्निफाई करता है उसके पहले अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा है तो कभी भी एस नहीं लगेगा फाइव दैट्स इट ठीक चलिए अब बताओ The Hallelujah choir are singing on Christmas Eve at the St. Cathedral Church. Jaldi jaldi se. Tell me. बताइए बताइए चलिए गुड काफी सारे आंसर्स यहां पर आ गए हैं सिंगिंग हाल लू ऑफ कॉयर क्या है कलेक्टिव नाउन है इसीलिए लगना चाहिए इसके साथ इस ठीक है यस 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा है पर आप इसका आंसर क्या देंगे टेल मी संतूर वाली मम्मी कौन है नालायक हाँ चलो ओके okay. <laughs> बहुत नालायक बच्चे हैं चलिए आंसर बताइए अच्छा द डेटा बींग कलेक्टेड इन द करेंट जियोलॉजिकल सर्वे आर प्रोवाइडिंग अ अस्ट्रॉन्ग वार्निंग कोई गलती यहां पर लग रही है क्या बताओ लोग कह रहे हैं इज प्रोवाइडिंग होना चाहिए अच्छा ये क्वेश्चन जितनी बार अब तक पूछा गया है ये क्वेश्चन लोगों ने गलत किया है अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में दिक्कत होती क्या है एक चीज होती है वार्निंग टू एक चीज होती है वार्निंग फॉर क्या आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है वार्निंग टू एंड वार्निंग फॉर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वार्निंग टू एंड वार्निंग फॉर जैसे कि मैंने अब एक बच्चे को बोला खबरदार आज से मेरी क्लास में आए तो मैंने उसको वार्निंग दी है आप बोलोगे अनन्या मैम गेव अ वार्निंग टू गेव वार्निंग टू अ स्पैमर या गेव वार्निंग टू अ गाय इन क्लास मैंने डायरेक्टली वार्निंग दे दी फिर वहीं पर मैंने की बोला आजकल कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं ये हम लोग के लिए वार्निंग है ये हम लोगों के लिए वार्निंग है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं हमारे लिए वार्निंग है कि हम सतर्क हो जाएं इट्स अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज कोविड केसेस आर ऑन हाइक अब आपको बात समझ में आया वार्निंग फॉर एक वार्निंग होती है warning to, एक एक ने किसी को चेतावनी दी है। तो यहां पे एक indirect warning की बात करी जा रही है। बात समझ में आई बताइए कोई वार्निंग यहां पर दे नहीं रहा है प्रोवाइडिंग अट्रॉन्ग वार्निंग फॉर इंजीनियर्स एज दे कंसिडर ये लोग डेटा को यहां पर क्यों आर सही तो है डेटा प्लूरल होता है बेटा आर बिल्कुल सही है वार्निंग फॉर होना चाहिए याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिए नोट कर लीजिए ठीक है चले आग चले आगे लेट्स गो अगला सवाल बताना जरा टेल मी क्रिएशिया आपने अगर एस एस सी सी एच एस एल का वो बैच लिया है तभी आपको मिल पाएगी है ना वो अलग से एक बैच है CHSL का प्रहार बैच शायद सॉर्ट करके है ऐसा ही प्रहार बैच करके ही है उसमें पीवाई क्यू से क्वेश्चन हो रहे हैं पहले ब्यूटिफुल फिली ब्यूटिफुल ओपिनियन है और टिनी साइज है है ना तो पहले ओपिनियन आता है फिर साइज आता है ओसास में तो क्या हो जाएगा पहले ब्यूटिफुल आएगा फिर टिनी आएगा आप सल्यूटली राइट ठीक है चलो भाई Tell me

अच्छा कुरेशा में चेक हूं। मैं चेक करवाती हूँ ठीक है मैं चेक करवाती हूँ कि आपके बैच में है कि नहीं ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ट वन एनदर हिज नीज नॉक्ट वन एनदर लेकिन मुझे लग रहा है वो ऑल एसएससी एग्जाम वाले का बैच नहीं वो है वो डिफरेंट है बट स्टिल कुरेशा मैं एक बार चेक करवा लूंगी ठीक है चलिए यार इंसानों की नीज दो होती है नीज घुटने पैर के दो ही तो होते हैं और अगर दो होते हैं तो ईच अदर होगा ठीक है ईच अदर होगा कोई डाउट है इसमें किसी को चले आगे लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बताओ भाई द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम अक्रॉस हर द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम अक्रॉस हर बताइए यार सारे लोग गैस को सारे लोग क्लास को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से एक बार फटाफट तरीके से क्या क्या आंसर देते हो यार तुम लोग भी कमाल हो एकदम से चलो एक बता रहा है मैम गैस ट्रिक हो गया मेरे मुंह से भी निकल रहा है गैस को लाइक कर दो गैस को कैसे लाइक कर सकते हो क्लास को लाइक करो चलो द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम अक्रॉस हर मई थ्रू हर देखो मैसेज किसी और से आया है लेकिन किसी और के द्वारा आया है है ना तो द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर देने वाला कौन है मैसेज दे ये रही है ठीक है हर डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला सवाल देखो चलिए चलिए अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू कम बैक डिफरेंट स्टेट्स हमको नहीं पता कितने स्टेट्स हैं हमें नहीं पता कितने स्टेट्स की बात हो रही है क्योंकि दो, जव, दो से ज्यादा है अब देखो जब भी नंबर नहीं लिखा होता हम डिफॉल्ट दो से ज्यादा ही कंसिडर करते हैं और इसीलिए यहां पर क्या होना चाहिए अमंग होना चाहिए ठीक है अ लॉर्ड ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट नक्सलिज्म बोलो बात समझ में आई कि नहीं एकदम मस्त चलो नेक्स्ट बताइए यहां से पढ़ना बताइए तुरंत आंसर कर दिया इतने सारे लोगों ने क्या बात है वाओ वेरी गुड शाबाश डेज के साथ बस इतना समझ लो गाइस कि डेज के साथ ना यार हमेशा पता है क्या लगता है डेज के साथ हमेशा ऑन लगता है हां जी डेज के साथ हमेशा ऑन लगता है तो क्या हो जाएगा आंसर पार्टी ऑन वेन्सडे ऑन वे ठीक है चले आगे आ जाओ दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है ये बताना बताओ बताओ चलिए कहता है द चाइनीज न्यूज रिपोर्ट सेज दैट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इज श्योर दैट इट इज इंपॉसिबल फॉर बोथ साइड्स टू फाइट इन सच एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कोल्ड अगर यहां पर आपका एडजेक्टिव है तो अब जो किसी एडजेक्टिव को मोडिफाई करने वाला तो हमारा आर्ट वो होता है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर ठीक है चलो अगला सवाल देखो क्या कहता है साइक्लोन ओचकी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया एज अ होल बताइए कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एक सेकंड में आंसर कर सकते हैं सोचो वन ऑफ के बाद लगने वाले नाउन तो हमेशा प्लूरल होते हैं इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता है ना सो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओच रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अब बेटा बस वो यही करना कि एडजेक्टिव को ना तुम प्लूरल करने लगना जैसे कि कल कुछ लोग एडजेक्टिव को प्लुरल बना रहे थे नाउन ही प्लुरल होता है, है ना वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो प्लूरल होता है नेक्स्ट देखो जरा देखते हैं किसको किसको याद है ये वाला क्वेश्चन बताइए जल्दी से नहीं एग भी नहीं खाती हूं एज अ प्रोटीन वेजिटेरियन आई एम कंप्लीट आई हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन

नोवा एक ऐसा फिनोमिन है जहां पर जो स्टार होता है उसका साइज लगता है बढ़ गया है वो तेज़ी से चमकने लगता है और फिर धीरे धीरे कुछ महीने बाद धीरे 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 इसका साइज कम होता है ये इवेंट कहलाता है नोवा इसी का प्लूरल होता है नोवे ये सिंगुलर है ये प्लूरल है तो दरअसल नोवे के साथ आर लगेगा नोवे आर बात समझ में आई अब ना आपको भूले चाहो तो नोट डाउन कर लेना ये वाली चीज सिंगलर प्लूरल वाली ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से बताइए और जिसने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है किसका इंतजार कर रहे हो भाई क्लास को लाइक कर दीजिए देखा चलो कहता है ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट रीडली फॉर्म्स ऑक्साइड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स मोस्ट एलिमेंट्स यार ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाता है मोस्ट एलिमेंट्स आ सकता है मेनी भी लॉजिकली मोस्ट ज्यादा सूटेबल है मैनी भी ग्रामेटिकली ठीक है आ सकता है ठीक ना 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 मोस्ट यहां पर सुपरलेटिव की तरह यूज नहीं हो रहा है समझ रहे हो मोस्ट सुपरलेटिव की तरह जहां पर यूज होगा वहां उसके पहले दा लगेगा यहां पर मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा नहीं यहां पर मोस्ट का मतलब ज़्यादातर है ठीक है चलिए अगला सवाल बताओ आंसर मी कौन दे सकता है आंसर अरे कहा तो ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ मोर का मतलब ज्यादातर एलिमेंट्स होता है स्टेटमेंट का लॉजिक मीनिंग कुछ निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए फॉर द पास्ट वन वीक क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं यहां पर बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ टाइम है पिछले हफ्ते से क्या कर रहा है ये वॉल बना रहा है है ना पेंट कर रहा है तो फॉर ड्यूरेशन है ये क्या लगना चाहिए फॉर लगना चाहिए फॉर द लास्ट वीक फॉर एप्सल्यूटली राइट ठीक चलो भाई अगला देखेंगे टेल मी कौन दे सकता है इसका राइट आंसर सब लोग बताइए अपना आंसर फटाफट तरीके से ओके okay. okay the sun has a magnetic field that varies across the surface of earth from the surface बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा अच्छा सही तो है यार इसमें गलती कहां है सही है कोई गलती नहीं है the sun has a magnetic field that varies across the surface of the sun ठीक है बिल्कुल सही है कुछ फ्रॉम रोम नहीं लगेगा पूरा सही है अर्थ नहीं आई मीन सन ठीक चलो अगला सवाल फेज इलेवेन की क्लासेस होती हैं शाम के टाइम होती है अंकिता फिलहाल शायद कॉस्टोप सर लेते हैं चलो देर इज नो डिनाइंग दैट आर ऑब्सेशन विद वेट लॉस हैज हैड कॉम्प्लिकेटेड आर रिलेशनशिप विद फूड बताओ देखो बेटा फ्रॉर फ्रॉम समझिएगा फ्रॉम तब आता है जब कोई चीज एक समय से शुरू होती है दूसरे समय पे खत्म हो जाती है ठीक जब कोई टाइम ड्यूरेशन की बात होती है कोई भी टाइम ड्यूरेशन तब हम फॉर लगाते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सेंस लगाते हैं ठीक ऑर इज नो डिनाइंग ऑब्सेशन विद फूड क्या होना चाहिए यहां पे हैज हार्ड की जरूरत ही नहीं है हार्ड की तो जरूरत ही नहीं है

Didn't come here to return your bag, isn't he? Rohan didn't come here to return your bag, isn't he? Tell me. लोग कह रहे हैं did he होना चाहिए बताओ. Rohan didn't come here to return your bag, isn't he? यहाँ पर अगर didn't लगा है तो यहाँ पे isn't क्या सोच के लगा रहे हो? पहली बात तो ये पास्ट टेंस है तो पास्ट आना चाहिए और दूसरी बात ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए तो डिड ही हो जाएगा डिड ही विल बी यूज इसमें कोई शक किसी को डिड ही बिल्कुल सही है ठीक है अगला देखिए इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड अबॉलिश रेड टेपल

प्राइम मिनिस्टर आई वुड अबॉलिश रेड टेप ठीक है आगे चलिए कहता है क्या पढ़ो जरा बताओ ठीक है कहता है क्वेश्चन आई यू एंड शी मस्ट नेवर फुगेट दैट द हाइएस्ट एप्रीसिएशन इज नॉट द अटर वर्ड्स बट टू लिव बाय देम स्टेटमेंट देखो न्यूट्रल है अगर स्टेटमेंट न्यूट्रल है तो स्ट्रक्चर हमारा सीक्वेंस टू थ्री वन आना चाहिए टू थ्री वन बोले तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन स्टार्टिंग में देखो सेकंड पर्सन क्या होता है यू थर्ड पर्सन होता है शी और फर्स्ट पर्सन आई यू शी एंड आई must never forget you she and i must never forget aage dekhiye if he is not prepared he will badly perform in the exam aayega paper aapka kathin aana hi nahi hai yaar परेशान मत होइए पेपर आपका कठिन आएगा ही नहीं और पेपर से मेरा कहने का मतलब इंग्लिश है है ना जल्दी जल्दी से हम्म लोगों का कहना है प्रिपेयरिंग। कोई कह रहा है वुड ही विल बैडली परफॉर्म नहीं बेटा मैनर है ऑफ मैनर है बाद में लगेगा ठीक है ही विल परफॉर्म

रेबा बताइए रेबा स्टेज नियर द पुलिस स्टेशन इ शी स्टेज लिखा हुआ है मतलब क्या आना चाहिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है डज शी Doesn't see statement statement positive है तो question tag negative आएगा helping verb है नहीं सिर्फ main verb है तो doesn't आएगा देखो ठीक डन आगे देखते हैं क्वेश्चन कहता है यू शुड ऑलवेज ठीक है यू शुड ऑलवेज ओबे योर टीचर्स शुड यू देख लेंगे कुरेशा देख लेंगे डन यू शुड ऑलवेज बाकी के अगर आपको कोर्स दिख रहे हैं तो वही पे मेरा भी मिल जाएगा वैसे आप एक बार खुद से भी ढूंढिए हम भी आपका देख पा लेंगे डोंट वरी क्या हो जाएगा आंसर दीजिए यू शुड ऑलवेज अच्छा यहाँ पर अगर शुड ऑलवेज लिखा है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव आएगा ना यार क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव शुड इंट यू शुड यू कोई प्रॉब्लम यहाँ पर शुड इंट यू विल बी यूज ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो जरा एम्प्लॉय एज वेल एज हिज कलीग्स वर प्रेजेंट बताइए जल्दी से अपने दिमाग से पहली बात तो ये चीजें निकाल दो क्वेश्चन टैग नहीं आते हैं एम में वॉइस नहीं आती है एम में दिमाग खोल रहा है ना पेपर आपका एग्जामिनर धीरे धीरे कि क्या आता है क्या नहीं आता है तो ये सब सवाल जो हम करा रहे हैं चुपचाप से यहाँ पे करते चला करो क्योंकि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं आपको ठीक है चलिए बताइए सब्जेक्ट अग्रीमेंट का पहला वाला रूल है एज वेल एज से जुड़े हैं सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू वर्ब किसको अग्री करेगी पहले वाले को सिंगलर ठीक है वॉज प्रेजेंट वॉज प्रेजेंट ठीक चले आगे देखो भाई क्या होना चाहिए economics 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 exam are is mathematics statistics plural actually singular और इनके साथ लगने वाली ठीक है तो अगला देखो एक बार जरा सभी लोग class को like करके आइए फटाफट से हैं आप लोग लगभग 500 और 400 लोगों ने भी class को like नहीं किया है जिनको समझ में आया करे लाइक कर दिया करिए मुझे भी पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ कुछ बेनिफिट है कि नहीं हाँ बताइए फिर क्या होना चाहिए मैंने तुमको कोई पेन दिया पिछले साल दिया था अब मैं सवाल करूं कहाँ है वो पेन मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पेन के बारे में पूछ रही हूँ अगर स्पेसिफिक पेन के बारे में पूछूंगी तो मतलब द पेन लगेगा ठीक सो वेयर इज द पेन वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है आइए आगे चलिए देर इज बेरली इनफ ग्राउंड स्पेस टू फिट अ बेड इन दिस रूम बताओ There is barely enough ground space to fit a bed in this room. But I hardly hear any log. अब मेरी बात समझ लीजिएगा एक चीज होती है ग्राउंड और एक चीज होती है फ्लोर ग्राउंड है मैदान खुला एरिया जो है मैदान है उसको हम ग्राउंड बोलते हैं और जो आपके घरों की फर्श है वो फ्लोर है तो अगर रूम की बात करी जा रही है बेड रखने की बात करी जा रही है तो ग्राउंड स्पेस की नहीं वहां पर फ्लोर स्पेस की बात हो रही है क्या ये बात आपको समझ में आई ठीक यस 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 चलिए राहुल ऑलरेडी बना हुआ है बेटा देखो ऊपर लिखा तो है डाउट प्लेटफॉर्म बना हुआ है मेरा ठीक है तो क्या हो जाएगा ग्राउंड स्पेस नहीं इट शुड बी फ्लोर स्पेस फॉर फॉर स्पेस टू फिट द बेड इन द रूम डन बात समझे रुकिए जरा यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जरा आंसर दीजिए बेटा तारीफों से हमको कोई बदहजमी नहीं है ठीक है कोई बदहजमी नहीं है तारीफों से लेकिन हमको स्पैमिंग से है, ठीक है चलिए कैट ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में ऐसा है ही नहीं वर्ड ठीक है जी कैटल कैटल का मतलब होता है मवेशी जो झुंड है बकरियों का भेड़ों का है ना मवेशियों का इनको हम कहते हैं कैटल इसीलिए बस यार कैटल द फार्मर ग्रेजे क्या ही लिख रही हूं कैटल ऑन दिस लैंड ठीक यस yes. ठीक है ना डन चलिए अगला सवाल देखो टाउन्स ऑफ द टाउन्स वर कॉन्ट क्योर्ड बाई हिम बट ही फाउंड नो पीस बताइए चलिए टाउन टाउन वर्क ऑन क्योर पहली बात नाउन प्रपोजिशन नाउन और अगर ये दोनों नाउन सेम है तो क्या होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं तो टाउन आफ्टर टाउन क्या यूज हो जाएगा टाउन आफ्टर टाउन वर्क ऑन क्योर टाउन आफ्टर टाउन ठीक है अगला सवाल देखिए If you had told me about the meeting, I would have come earlier. तुमने मुझे मीटिंग के बारे में पहले बताया होता तुमने मुझे मीटिंग के बारे में बताया होता तो मैं तो पहले आ जाता बताएं भाई क्या होना चाहिए टाइप थ्री कंडीशनल है टाइप थ्री कंडीशनल से रिलेटेड आपको थोड़े फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि जब भी का रिलेटेड क्वेश्चन देने जाता है ना एग्जामिनर तो सबसे पहले उसके दिमाग में कंडिशनल आते हैं सही बता रहे सो हेड प्लस वी थ्री यहां लगा है मेन में क्या होना चाहिए आई वुड हैव आई वुड हैव कम अर्लियर ठीक है चले आगे आ जाओ भाई क्या कहता है इफ आई विन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस इफ आई विन अ लॉटरी विन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस बताइए क्लास खत्म होने को है सारे लोग क्लास को लाइक करते चलिए जिन्होंने अब तक नहीं करी है ठीक है विल कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है ये विल आंसर नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हाइपोथेटिकल है बेटा डायरेक्शन पढ़ोगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे कई कई जगह पे आपका जो डायरेक्शन है ना वो खेल कर देता है देखो क्या लिखा है डायरेक्शन में कि जो बोल्ड पार्ट है वो चेंज किया नहीं जाएगा और स्टेटमेंट का टोन भी तो लग रही है कि हाइपोथेटिकल है वो लॉटरी जीत जाऊंगा तो घर खरीद लूंगा बात समझे लॉटरी जीत जाऊंगा तो घर खरीदूंगा इफ आई वन द लॉटरी टाइप टू है हाइपोथेटिकल इफ आई वन द लॉटरी बात समझे हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो भाई अगला सवाल देखो बताइए ख्याली पुलाव था बिल्कुल सही आंसर बताइए जरा फटाफट तरीके से सन्स रहे हैं बड़े सारे लोग ओके। okay. हाँ ज्यादातर केसों में जो लोग होते हैं ना अपने दमादों और अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी देना ज्यादा पसंद करते हैं अपने खुद के बेटों के बजाय इतने नालायक हो गए हैं बेटे आजकल के ठीक है सो इन नंबर ऑफ केसेस इन लॉ प्लूरल अपने दामादों को सन्स इन लॉ जनरल केस है ना इसलिए को प्रेफर करते हैं ठीक है अगला समझिए बताओ क्या आंसर होना चाहिए यहां पे टेल मी आंसर दीजिएगा सब लोग फटाफट फड़ तरीके से क्या हो जाएगा आंसर अब यहाँ पर ये वाला जो statistics है है बॉस, इसका मतलब है data. जब statistics अपने primary meaning में, यानी कि अ सब्जेक्ट यूज होता है तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं ठीक है Yes, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स अपने सेकेंडरी मीनिंग में यानी कि स्टैटिस्टिक्स को हम डेटा की तरह यूज करते हैं तो इसको हम प्लूरल कंसिडर कर सकते हैं इसके साथ वर्ग भी प्लूरल लगाते हैं ठीक है मनसा जहां तक मुझे पता है कि प्लूरल ही आता है बट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगी इस चीज को ठीक है जल्दबाजी में मुझे भी एकदम से लग रहा है कि शायद मैं डाउटफुल हो गई हूं जहां तक प्लूरल आती है बट आई विल क्रॉस चलो रिवील्ड क्या होना चाहिए कोई ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉड आखिरी सवाल है आज का जल्दी से कर लीजिए टाइम हो गया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉड एक्साइटेड के साथ क्या लगाते हैं बस इतना बता दो एक्साइटेड के साथ हम क्या लगाते हैं ये तो अलग ही आंसर आ रहे हैं यहां पर हे भगवान क्या कर रहे हो यार तुम लोग कहां हैस लगा रहे हो अरे यार ये ही दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है इसका मतलब हैज भी होता है अबाउट बिल्कुल सही एक्साइटेड के साथ अबाउट लगता है एक्साइटेड अबाउट समथिंग जी हाँ बिल्कुल सही तो बताइए भाई क्या रहा आपका आंसर और ये अच्छा पहले असाइनमेंट क्वेश्चन ले लो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट आप लोगों को आंसर तो बहुत जल्दी दे लोगे लेकिन आपको मुझे इस रूल के एक एग्जाम्पल देना है यह आपका असाइनमेंट है आंसर आप लोग एक सेकेंड में दे लोगे इस क्वेश्चन का ठीक मुझे पता है सबने दे लिया है आपका असाइनमेंट है कि इस रूल का एक एग्जाम्पल आपको देना है कहां असाइनमेंट क्वेश्चन की तरह सेशन खत्म होने के बाद जो नीचे कमेंट सेक्शन आता है वहां पर ठीक चलिए तो गाइस थैंक यू सो मच ये थी अच्छी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं ठीक है शाम को होगी हमारी SSC, का प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस क्लास कितने बजे 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 रात में ठीक है आपसे मुलाकात होगी मेरी आप उससे पहले नौ बजे होगी जीएसडी जी की ठीक है दिव्या मैम की उसके पहले आपकी सात बजे होगी रीजनिंग की नेहा मैम की और मेरे बाद ग्यारह बजे होगी मैथ्स की बॉबी सर की ये भी आप देख सकते हैं सारे के सारे क्लासेस ठीक जी और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अनन्या मैम टेस्ट बुक अगर आप में से किसी को लेना है टेस्ट बुक पास तो एक कोड मैं आपको बता रही हूं और कोड अप्लाई करना बता दूंगी ठीक है आपको टेस्ट बुक पास लेना है तो ये कोड मैं लिख रही हूं ध्यान से देख लीजिए ये कोड आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट दिलाएगा अनन्या पास मेरा ही नाम आगे पास ठीक है चलिए किस तरीके से बेसिकली आप मेरी क्लास खोलिए ठीक है मेरी क्लास ये तो दूसरा खोल गया यार मेरी क्लास खोलिए और आय हाय तो मैं ही दिख रही हूँ एड में क्या बात है चलिए मेरी क्लास खोल लीजिए और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाऊंगी ठीक मेरे लिंक मिल जाएगा टेस्ट बुक पास का ये चलिए नीचे आइए देखो टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पास ठीक है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पास आपने क्लिक किया कोचिंग के भी लिंक वहीं पे आपको नीचे मिल जाएंगे राइट right? अब जैसे ही आप यहां पर आए सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, सारे एग्जाम्स के हजारों सत्तर हजार मार्क्स करीब ठीक है नीचे आओ थ्री नाइन नाइन आपको दिखेगा ऊपर आएंगे अप्लाई कूपन पे क्लिक करो कोड डालोगे अनन्या पास कैपिटल लेटर में होगा ए एन ए एन वाई ए अनन्या पी ए एस एस पास अनन्या पास अप्लाई कर लो क्या खुल रहा है यार हम बहुत दुखी है अपने हाथों से पता नहीं क्या खुल गया अच्छा नीचे चला गया ओके आओ यार अप्लाई करते ये हो गया थ्री फाइव नाइन ठीक है थ्री फाइव नाइन हो गया नीचे आइए परचेज कर लीजिए नाम नंबर डाल के डन ठीक तो ये अच्छा आप लोग को अगर साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो आप पास प्रो ले सकते हैं पास प्रो पे भी सेम कोड यूज होगा ठीक है चलिए मिलते हैं हम आपसे बजे तब तक के लिए जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट जिनका पेपर नहीं है उनको भी ऑल द बेस्ट पढ़ाई करते रहो ठीक है पढ़ाई करोगे तभी तो चमकोगे लाइफ में क्योंकि जो पढ़ेगा जो लिखेगा क्या बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब जी चलिए मिलते हैं आपसे दस बजे तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर